हेलो दोस्तों, दिस इज चंद्रशेखर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। और आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ेंगे। ये सिंक्रोनस मोटर है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज मोटर। मोटर क्या होती है कि मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू द मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर किसी मोटर को हम देते हैं तो आउटपुट पे हमको उसका मैकेनिकल आउटपुट मिलता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वो एक मोटर होती है। लेकिन अब बात करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर की। तो ये एक तरह की एसी मोटर है। सिंक्रोनस मोटर इस टाइप ऑफ एसी मोटर। और एसी मोटर वैसे काफी क्लासिफिकेशन है। उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर आता है। लेकिन यहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड देयर आर टू टाइप ऑफ एसी मोटर। नंबर वन इज असिंक्रोनस मोटर एंड नंबर टू इज सिंक्रोनस मोटर। तो दो तरह की मोटर के बारे में यहाँ बता रखा है। नंबर एक सिंक्रोनस मोटर होती है और दूसरी असिंक्रोनस मोटर होती है। तो यहाँ असिंक्रोनस मोटर कौन सी मोटर होती है? असिंक्रोनस मोटर वो मोटर होती है जिसमें रोटर की स्पीड होती है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से कम होती है, तो वो असिंक्रोनस मोटर कहलाती है। जैसे कि इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है कि जो उसकी रोटर की स्पीड है वो उसके मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से कम होती है, क्योंकि उसके अंदर स्लिप होती है। ठीक है, तो वो कहलाती है एसिंक्रोनस मोटर। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की। जैसा कि नाम से पता चलता है, सिंक्रोनस मोटर यानी उसके साथ, यानी इसके अंदर जो रोटर रोटर है वो मैग्नेटिक फील्ड की रोटेटिंग जो स्पीड है उसके साथ रोटेट करता है। यानी कि दोनों की स्पीड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होती है। रोटर की जो स्पीड है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्पीड की बिल्कुल इक्वल होती है, तो इसलिए इसका नाम है सिंक्रोनस मोटर। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक एनएस स्पीड से रोटेट करता है, वो कहलाती है सिंक्रोनस स्पीड। इसका फॉर्मूला है 120 F/P, वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी एंड P इज द नंबर ऑफ पोल। तो दोनों की वैल्यू पुट करके हम सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस मोटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो मैंने यहाँ बताई है। देखिए, नंबर फर्स्ट है इसका कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल, दिस मोटर इज इलेक्ट्रिकल आइडेंटिकल विथ एन अल्टरनेटर। यानी अल्टरनेट, ये जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो बिल्कुल अल्टरनेटर के समान होती है। या यूं कह सकते हैं कि किसी अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनस मोटर बना सकते हैं या किसी मोटर को हम सिंक्रोनस मोटर को हम अल्टरनेटर बना सकते हैं। केवल अंतर इतना है कि अल्टरनेटर के अंदर प्राइम मूवर से इसको मूव करते हैं और आउटपुट हमको इलेक्ट्रिकल मिलता है, जबकि सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि हम इसमें इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें मैकेनिकल मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर इज इलेक्ट्रिकल आइडेंटिकल विद एन अल्टरनेटर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दिस मोटर इज डबली एक्साइटेड। यानी ये मोटर डबली एक्साइटेड, यानी इसमें दो तरह की सप्लाई हम फीड करते हैं। एक एसी सप्लाई जो कि स्टेटर में फीड करते हैं और एक डीसी सप्लाई जो कि इसके रोटर में फीड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तीसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि दिस मोटर इज रन एट एनएस। एनएस का मतलब सिंक्रोनस स्पीड, जैसा कि मैंने पहले बताया है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम सिंक्रोनस मोटर है कि जो इसकी स्पीड होती है वो 120 F/P यानी सिंक्रोनस स्पीड होती है। या यूं कहेंगे अगर लोड इस पर बढ़ा दिया जाए तो इसकी स्पीड या तो सिंक्रोनस रहेगी या फिर बिल्कुल नहीं रहेगी, और लोड बढ़ाने पर इसकी स्पीड है वो बिल्कुल खत्म होकर बंद हो जाती है मोटर की। और फोर्थ नंबर पर है दिस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने पढ़ा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ ये एसी मोटर है और थ्री फेज मोटर है, फिर भी दिस मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। लेकिन बाय सम एक्सटर्नल, बाय द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल मीनिंग, कुछ कुछ एक्सटर्नल तरीके का हम यूज करके इस मोटर को हम सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, जो अब कैसे होगा वो इसके अंदर हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका दिखा रखा देखिए कि दिस इसका जो यूज एप्लीकेशन है वो है इट ऑपरेट अंडर अ वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की वाइड रेंज यानी लैगिंग से लेकर लीडिंग की रेंज तक ये मोटर ऑपरेट होती है, और इसका इसी में बहुत उपयोग है। तो यहाँ दिखा रखा है कि यूज फॉर द पावर फैक्टर करेक्शन, इसीलिए ये मोटर पावर फैक्टर करेक्शन के अंदर काम में ली जाती है। तो ये जो पांच छह तरीके के इसके क्वालिटीज है जिसकी वजह से हम मोटर इसको काम में लेते हैं, इसके अंदर ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ये देखिए मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है। अब देखिए डायग्राम के अंदर मैंने सबसे पहले, जैसा कि सभी एसी मोटर के अंदर अंदर होता है, एक इसके अंदर स्टेटर होता है और एक दूसरा इसके अंदर रोटर होता है। तो बात करते हैं अपन स्टेटर की।
तो स्टेटर इसका वही जैसा सभी मोटर में होता है, इसका स्टेटर कास्ट आयरन का बना होता है और इसका आउटर आउटर पार्ट होता है, और स्टेटर इसका सेम एज थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जैसा होता है उसी तरह का सेम इसका स्टेटर होता है। स्टेटर के अंदर यहाँ देखिए मैंने स्लॉट्स बना रखे हैं, ये अंदर वाले स्लॉट्स हैं, और इन स्लॉट्स के अंदर थ्री फेज वाइंडिंग्स होती है, आर फेज की, वाई फेज की, बी फेज की, तीनों फेज की वाइंडिंग होती है, और तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री फेज डिफरेंस में यहाँ होते हैं। और वाइंडिंग कुछ हम इस तरह से करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पोल इन स्टेटर एंड नंबर ऑफ पोल इन रोटर आर इक्वल, दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं। और स्टेटर को हम यहाँ देखिए दिखा रखा है थ्री फेज सप्लाई देते हैं जो कि एसी सप्लाई है। तो जैसा मैंने बताया कि डब्ल्यू फीडेड है या डब्ल्यू एक्साइटेड है, तो एक सप्लाई मैंने यहाँ दे रखी है थ्री फेज एसी सप्लाई। अब हम बात करते हैं इसके रोटर की। तो इसका रोटर है बेसिकली यहाँ दिखा रखा है मैंने, इसका रोटर ये मैंने दिखा रखा है सेलियंट पोल रोटर। तो दो तरह के रोटर होते हैं, एक सेलियंट पोल रोटर होता है, उसका सिलेंड्रिकल पोल रोटर होता है। तो यहाँ बात करते हैं हम सेलियंट पोल रोटर की। तो सेलियन पोल रोटर इस तरह का रोटर होता है जो डंबल की शेप में होता है, ठीक है। ये एक आयरन का पीस होता है जो कि लेमिनेशन से बना होता है, और इसके अंदर हम इसको एक्साइट करने के लिए, इसके अंदर परमानेंट पोल जनरेट करने के लिए हम एक सप्लाई देते हैं डीसी सप्लाई। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि डब्ल्यू फीडेड, तो एक सप्लाई तो मैंने एसी सप्लाई दी इसको, और दूसरी सप्लाई मैंने इसको डीसी सप्लाई दी है। और डीसी सप्लाई देने के लिए मैंने इसमें यहाँ पर स्लिप रिंग्स रखी है, दो स्लिप रिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ मैंने यह बता रखा है कि डीसी एक्साइटर है, ये डीसी एक्साइटर से सप्लाई आती है जो कि स्लिप रिंग्स है जो कि इसके शाफ्ट पे लगे होते हैं, स्लिप रिंग से मिलती है, और स्लिप रिंग से यह सप्लाई इसके रोटर के अंदर आती है। ये इसका बेस है, इसको हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है, और ये इसका कंस्ट्रक्शन है। तो मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल वैसे तो मैंने यहाँ लिख रखा है, लेकिन मैं आपको इसको एक सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा किस डायग्राम से। ये मैंने बनाया डायग्राम, ये देखिए मैंने ये बताया कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम फाई एस बोलते हैं, और वो रोटेट कर रहा है एन एस स्पीड से। तो हम बोलेंगे कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग होगा, साथ में रोटेटिंग होगा, और उसकी जो स्पीड होगी वो होगी एन एस स्पीड। तो जब किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि एन एस स्पीड से रोटेट कर रहा है, उसके अंदर अगर हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट पुट कर देते हैं जिसके अंदर परमानेंट पोल बने हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उस फील्ड के साथ मैग्नेटिक लॉकिंग बना लेता है, और जिस तरह से फील्ड की स्पीड से फील्ड रोटेट करता है उसी स्पीड से वो मैग्नेट भी रोटेट करता है। तो इसी प्रिंसिपल का उपयोग हमने यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर के अंदर किया है, तो हम आगे देखेंगे। अब इसका ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैंने दिखा रखा है कि हाउ ए सिंक्रोनस मोटर रन्स, सिंक्रोनस मोटर कैसे रन करती है, उसका ऑपरेशन है। इसको ऑपरेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ दो डायग्राम दिखा रखे हैं, फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी। तो इसको समझने के लिए देखिए ये इसका स्टेटर दिखा रखा है मैंने, ठीक है। स्टेटर को मैंने दे रखी है यहाँ थ्री फेज सप्लाई, और ये इसका यहाँ पे रोटर है, ठीक है, सेलेंट पोल रोटर है जिसको मैंने सप्लाई डीसी सप्लाई यहाँ दे रखी है। तो और अब हम बात करते हैं एसी साइकिल के हाफ साइकिल की, एसी के अंदर जो साइकिल है उसके हाफ साइकिल की बात करते हैं। कि तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ कि जब हम सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो ये सप्लाई से करंट थ्री फेज जो उसकी वाइंडिंग है उसके अंदर फ्लो होती है, और जब वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड को हम बताते हैं फाई से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग होगा क्योंकि एसी से प्रोड्यूस हुआ है, और साथ में रिवॉल्विंग होगा, ठीक है, और उसकी जो रिवॉल्विंग की जो स्पीड है वो होगी एनएस। तो एनएस स्पीड से वो रोटेट उसके अंदर करेगा। तो चूंकि टू पोल की हम बात करते हैं, तो रोटर पर दो पोल हैं, तो स्टेटर के अंदर भी दो पोल जनरेट होंगे। तो हम मानते हैं किसी क्षण पे, ये देखो ए बी मैंने एक्सिस बता रखा है ए बी, तो हम मानते हैं किसी क्षण पे, मानिए कि ए के नीचे अगर यहाँ पर एन एस, एन एस का मतलब है स्टेटर, एन एन पोल इन स्टेटर, एस पोल इन स्टेटर, ठीक है। तो हम मानते हैं कि किसी क्षण पे एन पोल है और यहाँ पर भी एन पोल है, यहाँ एस पोल है और यहाँ पर भी एस पोल जनरेट हुआ है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब दो पोल सेम होते हैं तो दोनों पोल आपस में एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे और ये भी एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। तो हमारा जो स्टेट रोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास करेगा। लेकिन आफ्टर हाफ साइकिल
जैसे ही हाफ साइकिल पूरा होगा तो हाफ साइकिल में ये इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ देखिए स्टेटर के अंदर पोल की पोलरिटी भी चेंज हो गई। यहाँ पर जहां पहले एन ए के पास एस एन पोल था, अब यहाँ एस पोल बन गया। बी के पास जहां पर एस पोल था, अब एन पोल बन गया। तो इस कंडीशन में जो एन और एस ये पोल बनेंगे, इसका मतलब ये दूसरे एक दूसरे को अटैक करेंगे और रोटर हमारा क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास करेगा। तो चूंकि ये साइकिल मैंने बता रखा है, ये अल्टरनेटिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, यानी एक सेकंड में 50 साइकिल पूरे होते हैं। तो एक साइकिल में भी ये एक साइकिल इतना फास्ट होता है कि एन से एस पोल बनेगा, एस से एन पोल बनेगा, ये पीरियड इतना फास्ट होता है कि जो हमारा रोटर है एक बार एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी बार क्लॉकवाइज, ये इतनी तेजी से रोटेट करेगा कि हमें ये स्थिर अवस्था में ही नजर आएगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने सप्लाई दी है मोटर को, लेकिन इसका जो रोटर है वो रोटेट नहीं कर रहा है। अब इसको रोटेट करने के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि दिस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर व्हेन वी गिव द 3 फेज सप्लाई। इसको 3 फेज सप्लाई देते हैं फिर भी ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम कुछ तरीके अडॉप्ट करते हैं, कुछ मेथड्स यूज करते हैं, या यूं कहें कि किसी भी एक्सटर्नल तरीके से अगर हम इसके रोटर को घुमाने का प्रयास करें और उसको तब तक घुमाएं जब तक कि उसकी जो स्पीड है वो नियर अबाउट सिंक्रोनस नहीं हो जाए। जब उसकी स्पीड, रोटर की स्पीड नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी, उस समय इसको डी सप्लाई देंगे और इसमें एन और एल पोल एस पोल बनेंगे, और ये एन पोल यहां पर बनने वाले एस पोल से लॉक हो जाएगा और ये एस पोल यहां से बनने वाले एन पोल पर लॉक हो जाएगा। जब दोनों पोल के बीच में एक लॉकिंग बन जाएगी तो रोटर उसी स्पीड से रोटेट करेगा जिस स्पीड से इसका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा, और मोटर हमारी कहलाएगी सिंक्रोनस मोटर, यानी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट इसका रोटर करेगा। तो ये ऑपरेशन इसका मैंने बताया यहाँ पर। इस तरह से जो ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है विद द हेल्प ऑफ बाय सम एक्सटर्नल मीन। ठीक है, तो ये इसका ऑपरेशन है। उम्मीद करता हूँ कि इसका ऑपरेशन आपको समझ आएगा, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, और इससे आपको समझेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ स्टार्टिंग, इसको स्टार्ट करने के किस क्या क्या मेथड होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।